हेलो माय लवली फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मैजिक ब्रश। इस वीडियो में हम एक ब्यूटीफुल सी सीनरी ड्रॉ और कलर करना सीखेंगे। इस ड्राइंग के लिए हम अपनी ड्राइंग शीट को वर्टिकल पोजीशन में रखेंगे और सबसे पहले दो हॉरिजॉन्टल कर्व लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। इन्हीं लाइंस के बीच में हम वॉटरफॉल बनाएंगे। अब इन लाइंस के बीच में हम वर्टिकल कर्व लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। अल्टरनेट बॉक्सेस में हम रॉक्स एंड वॉटरफॉल बनाएंगे। इसके बाद हम अपनी ड्राइंग को और भी सुंदर बनाने के लिए इसमें और एलिमेंट्स सेट कर लेंगे, लाइक ट्रीज, रॉक्स, क्लाउड्स, ग्रासेस, बुशेस एक्सेट्रा। जहां भी आपको जरूरत महसूस हो वहां पर ये एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने अपनी ड्राइंग में ट्री लेफ्ट हैंड साइड पर बनाया है, आप चाहे तो राइट हैंड साइड पर भी बना सकते हैं। ड्राइंग कंप्लीट करने के बाद अपनी ड्राइंग को ब्लैक स्केच पेन से आउटलाइन कर लें। ये स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो ड्रॉ करने के बाद डायरेक्ट कलर स्टार्ट कर सकते हैं। ऑलवेज रिमेम्बर, ड्राइंग और कलरिंग अपनी ड्राइंग शीट के टॉप पार्ट से ही स्टार्ट करें और हल्के हाथों से करें। दैट मीन्स ड्रॉ करते टाइम और कलर करते टाइम पेंसिल या कलर को अपनी शीट पर ज्यादा प्रेशर से ना चलाएं। स्केच पेन से आउटलाइन करने के बाद पेंसिल मार्क्स को इरेज कर लें। मैंने स्काई के क्लाउड के ऊपर वाले हिस्से पर डीप ब्लू कलर किया है। डीप ब्लू कलर हमें ऊपर से नीचे जाते वक्त डार्क टू लाइट करना है। स्काई पर कलर करते वक्त हमें अपना हाथ लेफ्ट राइट मूव करना है, ना कि स्लैंटिंग पोजीशन में या टेढ़ा मेढ़ा या गोल गोल। डीप ब्लू के बाद हम स्काई में लाइट ब्लू कलर करेंगे। लाइट ब्लू कलर भी हमें जहाँ से डीप ब्लू हमने स्टार्ट किया वहीं से स्टार्ट करेंगे और डीप ब्लू की तरह ही लाइट ब्लू को ऊपर से नीचे जाते वक्त डार्क टू लाइट करना है। हमें क्लाउड के ऊपर वाले स्काई के हिस्से को पूरा फिल करना है। इसके बाद हम सबसे लास्ट में व्हाइट कलर से डार्क ब्लू और लाइट ब्लू कलर्स को आपस में मर्ज करेंगे। व्हाइट कलर को हमें नीचे से ऊपर चलाते हुए जाना है। क्लाउड्स के नीचे वाले हिस्से पर भी हमें कलर सेम ऊपर वाले हिस्से की तरह ही करना है, पर इस बार हम कलर ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर करते हुए जाएंगे। क्लाउड्स के नीचे वाले हिस्से पर भी मैंने सबसे पहले डीप ब्लू, देन लाइट ब्लू और लास्ट में व्हाइट कलर से डीप ब्लू और लाइट ब्लू दोनों को आपस में मर्ज किया है। मैंने क्लाउड्स के नीचे वाले हिस्से को पूरी तरह फिल नहीं किया है, थोड़ा ब्लैंक स्पेस भी छोड़ा हुआ है। हम ट्री और बुशेस पर कलर स्क्रम्बलिंग मेथड से करेंगे। दैट मीन्स हमें कलर को गोल गोल घुमाते हुए फिल करना है। बिग ट्री के लीफ वाले हिस्से को कलर करने के पहले हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। हर पार्ट में हम पहले डीप ब्लू कलर देन डार्क ग्रीन कलर फिल करेंगे। हमें दोनों ही कलर लेफ्ट से राइट की तरफ डार्क टू लाइट करते हुए जाना है। लास्ट में लाइट ग्रीन कलर फिल करेंगे, बट लाइट ग्रीन को हम राइट से लेफ्ट करते हुए जाएंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, ड्राइंग को कलर करते वक्त अपनी ड्राइंग में लाइट और शेड का ध्यान रखें। कोशिश करें कि आप अपनी ड्राइंग के हर ऑब्जेक्ट में डार्क शेड एक साइड और लाइट शेड अपोजिट साइड पर दिखाएं। बुशेस पर मैंने सबसे पहले लाइट ग्रीन देन लेमन येलो कलर किया है।
रॉक्स पर मैंने ब्लैक, ग्रे एंड व्हाइट कलर किया है। रॉक्स के बीच में जो छोटे छोटे ग्रासेस हैं, उन पर मैंने ग्रास ग्रीन कलर किया है। वॉटरफॉल को कलर करने के पहले हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे और फिर हर एक पार्ट को इंडिविजुअली कलर करेंगे, जैसे कि मैंने वीडियो में दिखाया है। मैंने सबसे पहले लाइट ब्लू कलर फिल किया है। लाइट ब्लू को हम पूरी जगह पे नहीं करेंगे, थोड़ा सा पार्ट ब्लैंक छोड़ देंगे। इसके बाद हम व्हाइट कलर से ब्लू कलर को मर्ज करेंगे। इसके बाद वॉटरफॉल जहाँ जमीन से टकरा रहा है, वहाँ मैंने लाइट ब्लू कलर को स्क्रम्बलिंग मेथड से किया है, डेट मीन्स गोल गोल घुमाकर। इसके बाद हम व्हाइट कलर की हेल्प से ब्लू कलर को मर्ज कर लेंगे। व्हाइट कलर भी हमें गोल घुमाते हुए चलाना है। ट्री के ट्रंक पर मैंने सबसे पहले डार्क ब्राउन कलर देन स्किन कलर फिल किया है। डार्क ब्राउन कलर को हमें एक साइड पर डार्क और अपोजिट साइड पर लाइटली फिल करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में आकर मुझसे शेयर कीजिए। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लैंड को कलर करने के पहले भी हम डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, उसके बाद कलर फिल करेंगे। लैंड पर मैंने सबसे पहले डार्क ग्रीन, देन लाइट ग्रीन और लास्ट में लेमन येलो कलर फिल किया है। फ्रेंड्स, आपके लाइक्स और कमेंट्स मुझे ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए इनकरेज करते हैं, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। रिवर के किनारों पर हम डीप ब्लू कलर कर लेंगे। डीप ब्लू के बाद मैंने रिवर पर लाइट ब्लू कलर फिल किया है। इसके बाद हम व्हाइट कलर की हेल्प से डीप ब्लू कलर और लाइट ब्लू कलर को आपस में मर्ज कर लेंगे। लास्ट में मैंने ग्रे कलर और लाइट ग्रीन कलर की हेल्प से वाटर पर स्टोन और ग्रासेस का रिफ्लेक्शन बनाया है।